नमस्कार दोस्तों, निफ्टी चैनल पे आप सबका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज निफ्टी ने काफी बोर किया सबको, क्योंकि निफ्टी काफी छोटे से दायरे में सारा दिन घूमती रही। वो भी कितना, 17260 से 17300, इतने छोटे से दायरे में आखिर बंदा क्या काम करेगा। सिर्फ 40 पॉइंट का घेरा था, चक्कर था। हाँ, जो होल्ड करके गया था फ्राइडे को, उसे जरूर प्रॉफिट हुआ, क्योंकि साथ के साथ मार्केट ने उछाल लिया खुलने के बाद, और मार्केट ने अच्छा गेन लिया। 18300 तक गई मार्केट और काफी अच्छा प्रॉफिट भी हुआ। पर जो इंट्राडे ट्रेडर था, उसे कुछ नहीं मिला, क्योंकि वो डिप की वेट करता रहा। डिप कहाँ तक, डिप था यहाँ तक चाहिए, यहाँ तक का डिप चाहिए था, तभी प्रॉफिट होना था, क्योंकि 10 EMA को मार्केट रिस्पेक्ट नहीं दे रही थी। और इवन निफ्टी 10 EMA तक भी नहीं आई, निफ्टी सिर्फ 18,253 260 के आसपास ही मंडराती रही, और वहां से 18,300 के आसपास रही। मतलब एक इतना छोटा दायरा कि कोई सोचे कि यहाँ से प्रॉफिट बुकिंग भी आ सकती है। और ब्रेकआउट लेवल जो था वो 18,315 था, वो अगर आया भी तो बड़ी लेट आया। पर वहां पे मैंने आपको मना किया ही हुआ है कि यहाँ पे अब कुछ नहीं करना, क्योंकि 3 बजे के बाद प्रीमियम में कोई बढ़ोतरी नहीं होती, तो इस ट्रेड से बचना चाहिए 3 बजे के बाद। 3 के बाद जितना मर्जी वो ग्रीन कैंडल दिखाए, पर आपने ट्रैप नहीं होना। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम आते हैं बैंक निफ्टी पे। बैंक निफ्टी ने जरूर, जिसने ये यहाँ पे इस एरिया में कहा था पुट लेने को, हालांकि बैंक निफ्टी 44,000 तक की आई और वहीं से प्रॉफिट बुकिंग आई। जिन्हें पुट ली, उसे एक बार जरूर प्रॉफिट हुआ, क्योंकि मैंने कहा हुआ है जो 15-20-50 पॉइंट मिले एक ही कैंडल में, वही लेने हैं। तो वो 50-20-50-70 पॉइंट मिल गए होंगे। पर उसके बाद यहाँ से एक बाइंग थी, पर यहाँ से भी बाइंग फेल हो गई, क्योंकि यहां से भी अगर उठी भी तो 43,700 से ये सिर्फ 855 तक की गई। सिर्फ 100 पॉइंट का रन ही देखने को मिला, कोई खास रन नहीं मिला, क्योंकि बैंक निफ्टी में वॉलेटिलिटी काफी ज्यादा थी। आज सारा पैसा एक्चुअली आईटी सेक्टर की तरफ शिफ्ट हो चुका था, और आईटी सेक्टर ही था जो निफ्टी को ऊपर की ओर खींच रहा था। बैंक निफ्टी में आज पैसा ही नहीं आया, ऐसे लग रहा था कि पूरे मार्केट का सारा पैसा ही किसी ने आईटी सेक्टर में झोंक दिया हो। हाँ, आईटी सेक्टर के जो स्टॉक्स थे, उन्होंने काफी अच्छा रन दिखाया और काफी अच्छा गेन भी दिया। बाकी कोई खास मोमेंट इंडेक्स में आज देखने को नहीं मिली। एक तरह से तीनों इंडेक्स नो ट्रेड जोन में रहे हैं। जहां तक अगर हम फिन निफ्टी की बात करें, ये तो पूरी तरह से नो नो ट्रेड जोन में था। ना तो ये यहाँ आया और ना ही ये यहाँ आया, ये रहा बीच में। हाँ, किसी ने तुक्के मार दिए हो या कुछ कर लिया हो, वो जरूर था कि जैसे कोई से कहते हैं स्काल्पिंग ट्रेडिंग, आज स्काल्पिंग ट्रेडर के लिए ट्रेड थी कि फटाफट ले लो, 5-10 पॉइंट आए फटाफट बेच दो, तो वो ट्रेड थी। वो एक जुआ टाइप ट्रेड होती है, और उस ट्रेड को हम कभी रिकमेंड नहीं करते, और ना ही कभी वो ट्रेड करनी चाहिए। स्काल्पिंग ट्रेडिंग से हमेशा दूर रहना चाहिए। तो आइए अब हम आते हैं मेन मुद्दे पर, कि क्या कारण है कि मार्केट ऐसी फ्लैट सी रही। कारण था यूएस का डेब्ट सीलिंग का मुद्दा। डेब्ट सीलिंग का मुद्दा हल नहीं हो रहा। डेब्ट सीलिंग की स्टेटमेंट क्लियर मैंने वो दे दी थी टेलीग्राम चैनल पे, वहाँ पे पढ़ लीजिए स्क्रॉल करके, तो मैंने डिटेल में बताई थी। डेब्ट सीलिंग की वजह से ही कोई, क्योंकि बाइडन साहब चाहते हैं कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा खर्चा करूं, क्योंकि इलेक्शन है, और जो फाइनेंस सेक्रेटरी हैं वो चाहते हैं कि नहीं, पहले ही खजाना खाली हो रहा है, बॉन्ड यील्ड पहले से दरें बढ़ती जा रही हैं, इकोनॉमी का पहले ही दिवाला निकला हुआ है, तो इतना नहीं करना चाहिए। पर बाइडेन के दिमाग में ये है कि कोई ना, हम नोट नए छाप लेंगे, क्योंकि यूएस हमेशा ऐसे करता आ रहा है कि जब भी उन्हें पैसे की कमी हो तो वो नोट छाप लेते हैं। वो कोई भी मैथमेटिकल कैलकुलेशंस नहीं करते, क्योंकि पूरे वर्ल्ड में डॉलर चलता है, तो इसलिए उनकी मुद्रास्फीति उसमें गायब हो जाती है, उस चीज में खत्म हो जाती है, पूरे वर्ल्ड में फैल जाता है डॉलर।
तो इसलिए ये मुद्दा भी फंसा हुआ है। तो यही कारण है कि डाओ फ्यूचर भी आप देखेंगे कि बड़े ही छोटे से दायरे में काम कर रहा है। आप देखेंगे कि आज देखो कितनी कैंडल भी इसकी कितनी छोटी सी बनी है। ये भी अगर देखें 33,340 से 33,440, मतलब 100 पॉइंट के दायरे में ही वहीं के वहीं खड़ा है सुबह से लेकर शाम तक। ये ऐसे ही छोटा सा दायरा है। जब तक ये शाम को डेप्थ सेलिंग की एक मीटिंग होनी है, तो उस मीटिंग के बाद ही एक फैसला होगा कि मार्केट्स ने ऊपर जाना है या नीचे, रुपये ने मजबूत होना है या कमजोर, डॉलर ने मजबूत होना है या कमजोर। हाँ, पॉवल साहब ने एक बात जरूर कही है पत्रकारों से, उन्होंने कहा है कि मैं इतना हॉकिश नहीं हूँ। उस वजह से ये जरूर हुआ है कि जो रुपया था वो जरूर मजबूत होना चाहिए, और उसके साथ साथ जो डॉलर था वो कमजोर हुआ है, क्योंकि उनकी बातों से ऐसे लगा है कि वो पॉज लेंगे इस बार, वो इंटरेस्ट रेट नहीं बढ़ाएंगे, क्योंकि बैंकों का पहले ही दिवाला निकला हुआ है। तो यही कारण है कि जब से उनकी स्टेटमेंट आई है थोड़ी सी पॉजिटिव है मार्केट। बाकी डेट सीलिंग का मुद्दा खत्म हुआ तो मुझे लगता है कि मार्केट पूरी तरह से पॉजिटिव हो जाएगी, और डॉलर भी वीक हो जाएगा और हमारा रुपया भी मजबूत हो जाएगा। भाई सब कुछ सही पॉइंट पे आ जाएगा, मुझे ऐसा लगता है। अब ये देखना है कि डेट सीलिंग का मुद्दा किस फेवर में जाता है। अगर तो बाइडन साहब के फेवर में चले गया तो डॉलर और कमज़ोर होगा, और अगर फाइनेंस सेक्टरी के फेवर में चले गया तो डॉलर मजबूत हो जाएगा। तो अब ये बातें देखने वाली है कि होता क्या है, तो ये तो रात को ही पता चलेगा। बाकी पावल साहब से एक इशारा काफ़ी अच्छा आ गया मार्केट के लिए कि मैं इतना हॉकिश नहीं हूँ। तो ये पॉइंट बिल्कुल नोट करने वाला है हमारी मार्केट के लिए भी। तो आइए अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम आते हैं ऑप्शन चेन में। देखिए बैंक निफ्टी की ऑप्शन चेन क्या दिखा रही है, वो ये दिखा रही है कि 43,500 पर पुट राइटर तो है, पर 43,800, 900, 44,000 पर कॉल राइटर भी बड़ी जबरदस्त है। मतलब ऑप्शन चेन में भी अगर देखें ना तो काफी टाइट रेंज नजर आ रही है। ये देखिए कितनी थोड़ी सी रेंज है, 600-700 पे पुट राइटर, 800-900 पे कॉल राइटर, मतलब इसी के बीच में फंसी है। किसके बीच में, 43,700 से 43,800, सिर्फ 100 पॉइंट की रेंज है, इतनी टाइट कि फंसी पड़ी है मार्केट। जिस तरफ अब निकलेगी, जब ऐसी मार्केट हो ना, अगर किसी एक तरफ निकले तो काफ़ी बड़ा ब्रेकआउट भी आता है, ये भी आपके दिमाग में ये बात रहनी चाहिए। अब देखते हैं ये किस तरफ निकलती है। अगर तो ये इस तरफ निकल गई तो काफ़ी ज़बरदस्त ब्रेकआउट है, वो तो पता ही है। मैं आपको हम डेली बता रहे हैं कि 44,150 के ऊपर एक बड़ा ब्रेकआउट आएगा, तो वो ब्रेकआउट की वेट हो रही है। नीचे की ओर अगर ये लेवल टूट गया तो एक भारी सेलिंग आएगी और एक तरह से तेज प्रॉफिट बुकिंग आएगी। तो अभी देखने वाली बात है कि मार्केट जाती कहाँ है। ये कहा है कि मार्केट तूफान से पहले की शांति भी आप इसे कह सकते हो, कि तूफान से पहले की शांति आई हुई है बैंक निफ्टी में, और जब भी ये तूफान आया तो किसी एक तरफ ये एक तरह से साइक्लोन उठेगा। अब देखते हैं किधर किस तरफ उठता है। तो आगे बढ़ते हैं, अब हम आते हैं बैंक निफ्टी पे। तो देखिए बैंक निफ्टी लगातार टाइट रेंज होती जा रही है, वो कैसे, नीचे 10 MA भी 43,700 पर अब आ चुका है। जब मार्केट क्लोज हुई है तो 10 MA और ऊपर चढ़ गया है, और ऊपर इधर की ओर 44,000 भी काफ़ी नज़दीक है। तो 43,700 से 44,000 के बीच में ही, इसी के बीच में मार्केट ऐसे ऐसे चल रही है। देखिए आप यहाँ तो कॉल लेके एक रिस्क ले सकते हैं। अब आप यहाँ पे 10 MA पे कॉल लेना 43,400 की, पर नीचे स्टॉप लॉस रखना 43,652 के नीचे। अगर 5-5 मिनट की 3 कैंडल खत्म होती है तो निकल जाना, क्योंकि यहाँ से मैं अभी आपको बता चुका हूँ अगर सेलिंग आई तो तेज आएगी, तो कहीं आप देखते रहेंगे 43,500-400 आए तो फिर लेंगे, तो वो काफ़ी भारी नुकसान भी आपको हो सकता है, क्योंकि इस टाइम काफ़ी खतरे में भी है बैंक निफ्टी, ऐसी बात नहीं है। तो 10 MA पे बार बार सपोर्ट ले रही है, ये एक अच्छी चीज़ है, तो यहाँ पे एक बार जरूर रिस्क लेना चाहिए, और 43,400 की कॉल आप जरूर लें। 43,600-89, 43,715 के एरिए में, और यहाँ से 43,650 के नीचे अगर 5-5 मिनट की 3 कैंडल क्लोज होती हैं तो आप निकल जाएं। उसके बाद आपने दोबारा फिर ट्राई करना है बैंक निफ्टी को, वो कहाँ पे, अगर डिप आए 20 MA तक,
फिर आपने 20 MA को, नहीं उससे पहले एक और डिप वेट करनी है 43,529 पे, इस एरिए में, यहाँ पे ये एरिया 43,530, क्योंकि यहाँ पे पुट राइटर है, याद रहे काफी हैवी पुट राइटिंग है। तो इस एरिया में अगर आप जब कॉल लेंगे तो यहाँ भी 43,400 की कॉल ले लीजिए, और यहाँ पर भी जो SL रखना है यहाँ पर आपको थोड़ा सा बड़ा रखना पड़ेगा, यहाँ पे आपको SL रखना पड़ेगा 43,360 का SL, और जिनके पास कैपिटल कम है वो 20 MA अगर SL रखे 43,270, और जिनके पास बिल्कुल कैपिटल कम है वो 43,529 के नीचे अगर 5-5 मिनट की 3 कैंडल क्लोज हो तो अपना निकल जाए वहां से, तो बेहतर यही होगा। बड़े जो खिलाड़ी हैं वो 20 MA पे आकर फिर से थोड़े से और ऐड करें और एवरेज बनाएं, पहले यहाँ पे एवरेज बनाएं फिर यहाँ पे, क्योंकि स्पोर्ट फैली हुई है काफी, बिखरी हुई है थोड़ी सी स्पोर्ट 43,529 पे है, 20 MA फिर नीचे जाके है 43,278 पे, और ऊपर 10 MA 43,689 पे घूम रहा है, मतलब काफ़ी स्पोर्ट फैली हुई है बीच बीच में। तो यहाँ से जहाँ पर भी आप ले, 10 MA पे ले, 20 MA पे ले, या 43,530 पे ले, तो वहाँ पर भी 5-5 मिनट की 3 कैंडल जहाँ निकले क्लोज हो तो वहाँ निकल जाए, तो बैठे मत रहे, क्योंकि मार्केट में तेज गिरावट भी आ सकती है, मार्केट में तेज उछाल भी आ सकता है। तो यही कारण है कि कॉल रिकमेंड की जा रही है आपको बार बार, और इस एरिए में आपने पुट्टी लेनी है यहाँ पे, यहाँ मैं लिखना भूल गया, यहाँ पे आप ले लेना 44,500 की PE, यहाँ पे आपने पुट लेनी है इस एरिया में 44,000 से 44,072 में, और 44,072 के ऊपर अगर 5-5 मिनट की 3 कैंडल क्लोज होती हैं तो उसमें से निकल जाना। और जैसे कि आपको बताया कोई 15-20-50 पॉइंट जो एक ही सांस में मिले तो वहीं ले लेना, क्योंकि मार्केट की स्ट्रेंथ भी स्ट्रॉन्ग है, डेप्थ स्ट्रॉन्ग है, सारे स्टॉक स्ट्रॉन्ग है, SBI ले लो या आप ICICI बैंक ले लो, HDFC बैंक ले लो और AU बैंक ले लो, तो ये सारे बैंक काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, चार्ट काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, इंडस बैंक का भी चार्ट स्ट्रॉन्ग है, तो इसलिए स्ट्रेंथ स्ट्रॉन्ग है, इसलिए पुट की साइड ज़्यादा देर तक नहीं रहना। असली ब्रेकआउट आएगा 44,150 के ऊपर ही, फिर भी मैं कहूंगा कि 44,200, 44,200 तो आप देख ही लो, अगर 5-5 मिनट की 3 कैंडल इसके ऊपर क्लोज हो तो एक कम से कम ये तसल्ली तो होगी कि हमने 44,150 से दूर जाके कॉल ली है, तो यहाँ एक कंफर्मेशन सी आ जाएगी कि हाँ ब्रेकआउट है, क्योंकि अब ब्रेकआउट फेल भी काफ़ी हो रहे हैं, क्योंकि वोल्टेलिटी काफ़ी रहती है जब मार्केट चल रही होती है, तो इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है। और उसके ऊपर आपको जो फिर टारगेट मिलेंगे 44,200, जैसे कि मैंने कहा कि तेज उछाल आएगा, फ्री हैंड में एक बाइंग आएगी, वो क्या क्या आएगी, 44,292, 388, 546, 638 और फिर 44,969 और 45,000। याद रहे ये इस एरिए में कभी भी आज तक कोई ट्रेडिंग नहीं हुई है, ये ऑल टाइम हाई है, तो ऑल टाइम हाई के ऊपर जब निकलेगी बैंक निफ्टी तो एक तरह से ब्लू स्काई में जाएगी, तो ब्लू स्काई में जब कोई चीज़ आती है तो बड़ी तेज भागती है, तो ये इसमें आपको अच्छे प्रॉफिट मिल सकते हैं, मतलब आपके जो 1-2 दिन जो पीछे निकल गए इतने सुस्त दिन, उसकी कसर आप यहाँ पे निकाल सकते हो। तो ये था बैंक निफ्टी का ट्रेड सेटअप। अब हम आते हैं निफ्टी पे कि निफ्टी में हमने क्या करना है। तो देखिए निफ्टी में, निफ्टी भी बीच बचाव में फंसी हुई है, कहीं ना इधर की ना उधर की, ये धीरे धीरे करके जरूर इधर आ गई है, ऊपर आ गई 18,300 के, तो एक ब्रेकआउट भी नहीं दे पा रही, क्योंकि बैंक उसका साथ नहीं दे रहे, बैंक और फिन निफ्टी दोनों जब तक साथ नहीं देंगे इसमें रैली नहीं आएगी, तो ये ऐसी चलेगी धीरे धीरे, स्लो स्लो, सारा दिन ठंडी सी, गिरेगी भी नहीं, क्यों, आईटी सेक्टर स्ट्रॉन्ग है, तो आईटी सेक्टर का क्योंकि वेटेज भी ज़्यादा है, और पर इतनी वेटेज नहीं है कि बैंक निफ्टी की गिरावट को बचा जाए या फिर निफ्टी की गिरावट को बचा जाए, जब भी आईटी सेक्टर भागता है तो बेयर्स क्या कर रहे हैं, वो बैंक निफ्टी को गिरा रहे हैं, तो यही कारण है कि बुल्स और बेयर्स के बीच में जो जंग छिड़ रही है, बुल्स आईटी सेक्टर को खींच रहे हैं और बेयर्स बैंक निफ्टी और निफ्टी पे प्रेशर डाल रहे हैं कि वो नीचे की ओर आए, ताकि इंडेक्स नीचे की ओर आए, मतलब इंडेक्स की पूरी सेटलमेंट की जा रही है कि इंडेक्स भागे ना, तो इसलिए मार्केट काफी फंसी फंसी सी है, पर हम
ट्रेड जो करेंगे वो इस हिसाब से करनी है कि कल जो आज का हाई था, अगर इसके ऊपर 5-5 मिनट की 3 कैंडल क्लोज होती हैं तो 18200 की कॉल लो। पर हाँ, ब्रेकआउट ना सोचना कि ये ब्रेकआउट आ जाएगा। ब्रेकआउट तभी आएगा अगर बैंक निफ्टी भी भागे, फिर तेज ब्रेकआउट आएगा, वरना नहीं। फिर धीरे 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 स्लो 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 ये जाएगी 18,364 की ओर, 373, 390, 430 और फिर आ जाएगा इसका भी रेजिस्टेंस 450। याद रहे 440, 450 मैंने आपको पहले भी बताया था, काफ़ी नीचे से टारगेट देता आ रहा था कि 440 पे जाके रुकेगी, तो वहीं पे जाकर फिर रुक जाएगी मार्केट। और यहाँ पे आपने ध्यान रखना है कि यहाँ पे पुट ले लेना, और जो 15-20-50 पॉइंट मिले तो ले लेना। यहाँ पर भी 5-5 मिनट की 3 कैंडल का ही आपने एसएल रखना है, और अगर क्लोज हो जाती है कोई 5-5 मिनट की 3 कैंडल तो यहाँ पे जो रैली आएगी वो देखने वाली होगी, क्योंकि अगर निफ्टी यहाँ से यहाँ तक चलेगी तो बैंक निफ्टी भी तो 44,150 क्रॉस कर जाएगी मेरे हिसाब से, तब तक बैंक निफ्टी भी 44,200 के ऊपर होगी। तो एक जबरदस्त रैली आपको निफ्टी में बैंक निफ्टी की तरह मेरे हिसाब से 18,460 के ऊपर दिखेगी, और 18,460 के ऊपर जो आपको एसएल वही रहेगा 5-5 मिनट की 3 कैंडल 18,450 के नीचे, और ऊपर टारगेट रहेगा 18,487, 530, 568 और 583 तक के टारगेट आपको मिल सकते हैं। तो ये है ऊपर का ट्रेड सेटअप बैंक निफ्टी का, और नीचे निफ्टी का सॉरी, और नीचे की ओर भी आते हैं कि अगर मान लीजिए डिप आए तो किस डिप को बाय करना है। देखिए, जो आपने डिप बाय करना है वो बाय करना है आपने 18,115-170। यहाँ पे क्या है 20 EMA, यहाँ पे है 20 EMA, काफी इंपॉर्टेंट, और मैंने बताया हुआ है कि स्टॉक मार्केट में इसे हमेशा बाय किया जाता है, पर इसके भी कुछ रूल हैं। देखिए, पहले जैसे ऊपर गई थी मार्केट, 20 EMA पे आई, वहां से बाइंग आई, ऊपर चलेगी। अब जब दोबारा 20 EMA टेस्ट होगा तो अब वो जलवा नहीं रहेगा, मतलब अब 20 EMA टूटने के भी चांसेस रहेंगे। तो ध्यान से यहाँ पे कोई बड़ी बाइंग मत करना, 20 EMA पे आपने वही नॉर्मल ट्रेडिंग करना है जैसे करते हो, और 18,060 का आप स्टॉप लॉस रखना है यहाँ पे, और फिर आपको मिलेगा 18,178, 212, 225, 240, 259, और उसके बाद आपको मिल सकता है 275, ये एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है 275 और 300। तो यहाँ पे आपने फिर से 18,300 की पुट ले लेनी है 270 के नीचे। अब जैसे मान लो फ्लैट खुलती है, तो जैसे ये 270 के नीचे 5-5 मिनट की 3 कैंडल क्लोज होती है तो यहाँ पे आप पुट भी ले सकते हो, और ध्यान रहे कि फिर 20 EMA से घूमकर अगर वापस ऊपर आई तो तब पुट मत लेना, बार बार पुट नहीं लेनी। और 18,335 कल के हाई, मतलब आज के हाई के ऊपर आपने कॉल लेनी है, और पूरा ट्रेड सेटअप आपको समझ आ गया होगा। तो ये था हमारा कंप्लीट ट्रेड सेटअप निफ्टी और बैंक निफ्टी का। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई जरूर लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।